हेलो गाइस, मैं शीतल आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज जो हम DIY बनाने वाले हैं वो बहुत ही आसान सा DIY है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम सबसे पहले कार्डबोर्ड ले लेंगे। ये एक लगभग 9 इंच का कार्डबोर्ड मैंने काटा है। अब मैंने वॉल पुट्टी प्लस पानी का एक थिक घोल बना लिया है, एक भाग वॉल पुट्टी और एक भाग पानी। अब मैं इसका थिक पेस्ट अपने कार्डबोर्ड पर लगा दूंगी। ध्यान रखिएगा कि हमें थोड़ा सा थिक लेयर इस पर लगानी है, उसके बाद ही हमारा कॉम्ब इस पर चल पाएगा। मैंने एक थिक लेयर लगाने के बाद कॉम्ब से अच्छे से कॉम्ब कर दिया है, उससे ये लाइन्स अच्छे से ड्रॉ हो जाएंगी जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपको लगे कि पहली बार में नहीं हो पाया है तो वॉल पुट्टी को वापस से पूरा समेट के और दोबारा ये काम कर सकते हैं। अब हमें इसे सूखने देना है। ये मेरा सूख गया है और उसके बाद मैं इस पर कलर कर लूँगी। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर रेड कलर किया है। ध्यान रखिएगा कि वॉल पुट्टी अच्छे से सूख जाए। इसे सूखने में कम से कम 12 घंटे तो जाएंगे ही, तो उससे ये बहुत अच्छे से सूख जाएगी और हमारा जो कार्डबोर्ड है ये बहुत लाइट वेट हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इस पर 2 कोट अच्छे से कर लिए हैं। 2 कोट लगाने के बाद हमें इसे थोड़ी देर सूखने देना है। इसे कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे सूखने में। देखिए, ये सूख कर रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पर कुछ मिरर्स लिए हैं। मैंने यहाँ डायमंड शेप के मिरर्स लिए हैं। आप किसी भी शेप के मिरर ले सकते हैं, चाहें तो राउंड या स्क्वायर या डायमंड ही, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जो भी आप चाहें। या फिर आपके पास और कुछ चीज़ें पड़ी हों जो आप लगाना चाहें, उनको भी आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ फेविकोल लगाई है और फेविकोल से ये मिरर्स आसानी से चिपक जाते हैं। और इसके बाद हम इसे अच्छे से सूखने देंगे। इसे सूखने में भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो जाएगा ही। मैं आपको यहाँ 2-3 ऑप्शन बताती हूँ। आपके पास अगर रेड या गोल्डन या सिल्वर कलर के बीट्स हैं तो आप उनको भी यहाँ डेकोरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास प्लास्टिक के फ्लावर्स हों, अलग अलग शेप के छोटे छोटे, आप उनको भी चारों ओर चिपका सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं। देखिए, ये अभी से ही इतनी सुंदर लग रही है, चाहे तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कोन से यहाँ पर ओम लिख दिया है। आप जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ये 3D कोन था और ये आसानी से चिपक जाता है। आपके पास अगर कोन नहीं है तो आप यहाँ पर एक्रेलिक कलर से भी ओम लिख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर पेंटिंग करेंगे। मेरा कोन वाइट कलर का था तो मुझे लगा कि ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसका गोल्डन कलर कर देती हूँ। तो मेरे पास ये मेटेलिक गोल्डन कलर का एक स्केच पेन था तो मैं उससे ये गोल्डन कलर कर देती हूँ। तो देखिए, इसका गोल्डन कलर हो गया है और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो इस पर डायरेक्ट ओम लिख सकते हैं पेंट करके। मैंने भी यहाँ थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है क्योंकि मुझे वो कलर थोड़ा सा डर लग रहा था, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा शाइनी कलर देने के लिए थोड़ा सा ग्लिटर यूज़ किया है। अब मैं यहाँ टूथपिक ले रही हूँ, जो हम घर पर यूज़ करते हैं ये वही टूथपिक हैं। आप चाहें तो इनकी जगह आइसक्रीम स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने आपको दिया है, आप जो भी यूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। इन सभी पर ब्लैक कलर कर लिया है। आप जो कलर करना चाहें, रेड, गोल्डन, सिल्वर, येलो या फिर जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप कलर इन पर करें। तो इनको करने में भी थोड़ा टाइम जाएगा और इनको हमें थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना है। तो देखिए, इस तरह मैंने काफ़ी सारे स्टिक्स पर कलर कर लिया है। अब मैं इनको पीछे चिपका दूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने इसके चारों ओर 1-1 सेंटीमीटर के गैप के बाद निशान लगा दिया है, जिससे कि हम चिपकाएं तो हमारा कम से कम जो आइडिया है इनको चिपकाने का वो सिमेट्री में रहेगा। मैंने इनको 1 नीचे और 1 ऊपर करके चिपकाया है, जिस तरह हम बचपन में सन की रेज ड्रॉ करते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से। चिपकाने के लिए आप चाहें तो फेविकोल का यूज़ कर सकते हैं, उससे ही आसानी से चिपक जाएंगी। मैंने यहाँ फेविबॉन्ड लगाया है, उससे ये क्विकली चिपक जाती हैं। और देखिए, मैंने जो ये पहले से ही लाइन ड्रॉ कर दी थी उससे मेरा काम बहुत आसान हो गया है। मुझे पता चल गया है कि मेरे को कहाँ कहाँ पर लगानी है। और इस तरह 1 ऊपर 1 नीचे करके मैंने इसको पूरी चारों ओर स्टिक्स को लगा दिया है। अब मैंने एक पेपर काटा है जो अपने वाले से थोड़ा सा छोटा कट किया और इसको पीछे लगा लिया है, जिससे कि पीछे की स्टिक्स भी सेफ रहेंगी और पीछे लूप लगाने में आसानी रहेगी। लेकिन मैंने यहाँ डबल साइडेड टेप लगाई है क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है। डबल साइडेड टेप या फिर मैजिक टेप, जो भी आप इसको कहना चाहें, उससे इसको लगाना आसान होगा। और देखिए, मैंने अपने घर की वॉल पर इसको लगा दिया है
और ये आसानी से लग गई है और देखने में कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यह हमने खुद बनाई है, ये मार्केट से लाई हुई बिल्कुल लग रही है। बहुत ही सुंदर लुक इसका आया। और ऊपर देख रहे हैं ना आप ये कोस्टर, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था, इसका लिंक मैं साथ में अटैच कर दूंगी। इन कोस्टर्स और वॉल हैंगिंग को बनाना भी बहुत ही आसान था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स।